आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर लूप और रेंज के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं पहले फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप बेसिकली यूज होता है एक कंडीशन को मल्टीपल टाइम रन कराने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर अ गिवन सीक्वेंस। किसमें होता है ये गिवन सीक्वेंस? लिस्ट और स्ट्रिंग में होता है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग चलो एक लिस्ट बनाते हैं। डब्ल्यू नाम से हम लोग ने लिस्ट बनाई, और सॉरी इसमें हम लोग कोड लिखेंगे, अब ऊपर से कोड ऑन कर लेंगे और इसमें हम लोग लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में हम लोग क्या डालेंगे? आइटम डालेंगे, आइटम स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप डालेंगे। ठीक, हम लोग ले लेंगे हेलो। अगर मल्टीपल हमको आइटम लिस्ट में ऐड करने हो तो हम लोग लगाते हैं कॉमा का यूज करते हैं मल्टीपल आइटम को ऐड करने के लिए। और दूसरा हम आइटम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड लिख लेंगे। हमारी ये क्या हुई, ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई। लिस्ट किस नाम से है? डब्ल्यू नाम से लिस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर लगाएंगे, फॉर फॉर वर्ल्ड इन डब्ल्यू। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करेंगे डब्ल्यू इसमें हम लोग एक चीज ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जो हमारा जो जो हमारे लिस्ट में जो हम लोग आइटम्स हैं वो जब प्रिंट हो तो हेलो के बाद डॉट लग के आ जाए, वर्ड के बाद क्या आ जाए, डॉट लग के आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट में जो हम लोग ने क्या लिखा था, वर्ड फॉर कंडीशन में लगा था फॉर वर्ड इन डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू की जो लिस्ट है वो किसमें आ गई, वर्ड में। तो हम वर्ड के साथ क्या ऐड कर देंगे, इसमें हम लोग फुल स्टॉप ऐड कर देंगे, हम लोग यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। अब इसको रन कराएंगे, जैसे रन कराएंगे हेलो के जो बाद हेलो जैसे प्रिंट होगा उसके बाद डॉट लग जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में वर्ड प्रिंट होगा, वर्ड वर्ड के बाद क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम लोग किसी भी लिस्ट में हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं एट द एंड। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि हम लोग एक कोई स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक, उसमें चेक करते हैं कि वो जो वर्ड है, जो सॉरी करेक्टर है, वो कितनी बार आया है उस स्ट्रिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग ने एक स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक, इसमें ले लेते हैं टेस्टिंग फॉर लूप, टेस्टिंग फॉर हम लूप लिख लेते हैं। और ये हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हम लोग ने बना ली। ठीक, इसमें क्या एक हम लोग काउंट वेरिएबल उसी में चेंज कर लेते हैं, न्यू लाइन छोड़िए, इसी में हम लोग काम करते हैं, इसी में लग कर लेते हैं। आगे काउंट लेते हैं, काउंट को हम लोग इंशाल कर देते हैं जीरो से। उसके बाद इसी में हम लोग फॉर चलाते हैं, फॉर कहाँ से चलेगा, सॉरी फॉर एक्स इन str स्ट्रिंग में इफ लगा देते हैं, इफ अगर एक्स इक्वल टू जो किसको फाइंड करते हैं हम लोग फाइंड करते हैं टी को, टी कितनी बार है, ठीक सॉरी टी कितनी बार है। ठीक, और इसको काउंट को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाए कितने देंगे, एक बार, हर बार जब फाइंड करने के बाद उसको बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक, और उसके बाद क्या कर देंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट काउंट को प्रिंट कर देंगे। ठीक, अब रन कराएंगे, अब ये चेक करेंगे कि हम लोग का टू कितनी बार आया है, टी कितनी बार है, टी टू बार आया है। कहाँ पे आया है, एक स्टार्टिंग में टी आया है स्ट्रिंग में, और एक आया है बीच में एस के बाद आया है। तो अब यहीं पे हम लोग चेंजेस कर देते हैं, अगर हम चेक करते हैं ओ कितनी बार आया है, तो हम लोग टी के जगह रिप्लेस करते हैं ओ कितनी बार आया है। ठीक, ओ कितनी बार आया है, अब इसको रन कराते हैं, ओ तीन बार आया है। कहाँ पर, एक फॉर में आया है और लूप में दो बार आया है। तो इस तरह हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं थ्रू फॉर लूप। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेंज के बारे में। ये जो रेंज फंक्शन है, रिटर्न सीक्वेंस और नंबर, नंबर को क्या करता है, सीक्वेंस किसके, नंबर के सीक्वेंस को रिटर्न करता है। ये हमारा कह रहे हैं रेंज एक फंक्शन है। ठीक, इसको हम लोग हेडिंग डालते हैं, यहां लिख लेते हैं हम लोग रेंज। अब बात करने जा रहे हैं इसकी रेंज फंक्शन की, रेंज फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। और एक बात आपको बताता कि जो रेंज फंक्शन है बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है जीरो से, और ये इंक्रीमेंट करता है बाय वन। क्या कहता है, ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट हम इसको भी हेडिंग डाल देते हैं रेंज बाय डिफॉल्ट। जो हमारा रेंज है वो क्या है, पहले इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक, और क्या करता है, इंक्रीमेंट बाय वन।
ठीक, और इसका बाय डिफॉल्ट क्या है, एंड एक और चीज में बाय डिफॉल्ट होती है, क्या होती है, कहां ये जो हमारा रेंज कहां स्टार्ट हो जाएगा, जो नंबर हम लोगों ने दिया है उसके पहले स्टॉप हो जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने दिया है रेंज जीरो, मतलब 0 से 8 तक दिया है, तो 8 ना जाकर वो 7 पे ही रुक जाएगा। ठीक, तो यहां लिख देंगे स्टॉप बिफोर द स्पेसिफिक साइट, और नंबर डाल देते हैं स्पेसिफिक नंबर। ठीक, ये हमारा डिफॉल्ट हो क्या हो गया, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंक्रीमेंट बाय 1 एंड स्टॉप बिफोर द नंबर, जो स्पेसिफिक नंबर उससे पहले ही स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा इसमें कोड लिखते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ एक नंबर लेते हैं, एक वेरिएबल लिया नंबर नाम से, इसमें लिस्ट में एक लिस्ट है हमारी, और रेंज कहाँ है 10 तक। ठीक, आप इसको अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट किसको करेंगे, नंबर प्रिंट करेंगे। अब ये देखिए हम लोग ने क्या किया, लिस्ट लिया है, लिस्ट के अंदर हम लोग रेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया है, और कहाँ तक किया है 10 तक। अब हमको आपको बता दे बाय डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, कि इट स्टार्ट फ्रॉम 0, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा प्रिंट करना, 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा, क्योंकि एक नंबर पहले ही रुक जाता है। और कितनी बार इंक्रीमेंट होता है, बाय 1 इंक्रीमेंट होता है। अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाएगा, क्योंकि हम लोग ने क्या दिया है, रेंज 10 दिया है, और नंबर कहाँ रुक जाता है बाय डिफॉल्ट रेंज में, एक नंबर पहले ही रुक जाता है। अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आया, 0 से लेकर 9 तक आया, और कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ, हर बार 1 टाइम इंक्रीमेंट हुआ, ये रेंज में होता है। आप लोग ये जरूर याद रखें कि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन रेंज कितना होता है, क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, कितनी बार इंक्रीमेंट होता है, कहाँ स्टॉप हो जाता है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। और आपको बता दें कि रेंज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कि नाम से या कुछ फंक्शन कह लीजिए या कुछ इसका वर्किंग समझ लीजिए। जो अगर रेंज ने कॉल्ड हुई, अगर रेंज को विद ए वन आर्गुमेंट के साथ अगर रेंज को कॉल किया गया, तो इट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट विद वैल्यू फ्रॉम 0 टू दैट आर्गुमेंट, मतलब जिस नंबर से हम लोग, चलिए इसका छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं, उसी के माध्यम से सीखते हैं इसको। ठीक, क्या कहते हैं, एक हम लोग ने नंबर लिया, सॉरी इसके हेडिंग डाल दिया, कोड यहाँ डालते हैं, नंबर लिया, और हम लोग ने लिस्ट में रेंज कर दिया, रेंज दे दिया, कहाँ से दे दिया, 3 से दे दिया 8 तक। ठीक, हम लोग ने रेंज दे दिया। ठीक, और हम लोग ने क्या प्रिंट कर दिया, नंबर को प्रिंट कर दिया। ठीक, और अब देखिए, चलिए हम इस थोड़ा इसमें काम कर लेते हैं पहले। अगर जब हम लोग ये अभी प्रिंट कर देते हैं तो हमारा जो प्रिंट होगा रेंज कहाँ से प्रिंट होगा, 3 से प्रिंट होगा, क्यों, हम लोग ने स्टार्टिंग भी वैल्यू दे रखी है रेंज। बाय डिफॉल्ट यहाँ स्टार्ट 0 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, आर्गुमेंट पास हुआ है कि 3 से स्टार्ट होगा, और कहां तक चलेगा, एक नंबर पहले तक चलेगा, मतलब ये नंबर 7 तक चलेगा। ठीक, अगर इसको प्रिंट कर देते, देखिए 3 से चला 7 तक। अगर इसमें एक और कंडीशन लगा देते हैं हम लोग, इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट करेंगे, इसी में हम लोग लगा देते हैं प्रिंट में रेंज 20 लिख देते हैं फंक्शन लगा के, और इक्वल टू साइन लगा देते हैं, और रेंज 0 से 20। हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा रेंज 20 और इक्वल टू 0 से 20, क्या रेंज इक्वल है कि नहीं है, आपको ये जाननी जरूरी है कि ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ये इक्वल होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, बुलियन में वैल्यू आती है इसकी, क्या आएगी, ट्रू वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, अगर हम रेंज 20 लिख रहे हैं तब भी ये कहाँ से चलेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 से चलेगा, और इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, और कहाँ तक चलेगा, 19 नंबर तक चलेगा, कि नंबर कहाँ तक चलता है, स्टॉप बिफोर जो नंबर हम लोग ने दिया है उससे पहले रुक जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरे में देखते हैं रेंज कहाँ से दिया, 0 से 20 तक दिया है, मतलब रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 20 तक, मतलब 20 के एक पहले तक चलेगा, तो दोनों नंबर कितने होंगे, सेम होंगे। तो अगर इसको प्रिंट करेंगे तो हम लोग पहला नंबर क्या आ जाएगा, एक तो ये नंबर शुरू होगा। ठीक, चलिए ऊपर वाली लाइन हटा देते हैं, अब इस खाली इसी को प्रिंट करते हैं। ठीक,
इसी को क्या प्रिंट करेंगे, जब प्रिंट करेंगे तो बुलियन वैल्यू आएगी क्या, ट्रू आएगी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, ट्रू हैं, तो इंटर कर देते हैं, जो हमारी वैल्यू आएगी ट्रू आगे। अगर इसी में हम लोग चेंजेस कर देते हैं, मान लीजिए कॉपी किया इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हम लोग ने यहाँ चेंज कर दिया 21 डाल दिया, ठीक। अब ये जो वैल्यू है क्या आएगी, फॉल्स आएगी। क्यों फॉल्स आएगी, क्योंकि हम लोग ने एक रेंज में 20 वैल्यू दे रखी है, जहाँ चलेगा स्टार्टिंग 0 से चलेगा 20 तक, और दूसरा कहाँ चलेगा, 0 से 20 तक चलेगा, मतलब एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गए, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं हो, इक्वल नहीं हो, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो अगर इसी के ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग कॉपी करके इसमें भी चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम लोग ने यहाँ लिख दिया 19 लिख दिया, ठीक। अब इस रेंज फंक्शन में हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक। अब ये देखिए, अगर ये चलेगा, ये पहले कंडीशन कहाँ तक चलेगा, अगर 0 से 18 तक चलेगा, ठीक, और ये कहाँ से चलेगा, 0 से 19 तक चलेगा, मतलब एक वैल्यू कम है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसकी भी वैल्यू बुलियन में क्या आएगी, फॉल्स आएगी, ठीक। ये फंक्शन हमारा रेंज होता है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं क्या है, अगर रेंज को कॉल हो रहा है विथ वर आर्गुमेंट, इट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट विद आर वैल्यू फ्रॉम 0 टू डैट आर्गुमेंट, ठीक। और अगर ये जो, और अगर जो दो आर्गुमेंट अगर साथ पास कर रहे हैं हम लोग, तो इट प्रोड्यूस वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड वन, तो वही हम लोग ने बात किया, अगर हम लोग ने एक आर्गुमेंट पास किया, देखिए हम लोगों ने इस फंक्शन में क्या हुआ, एक वैल्यू पास किया, ठीक, एक आर्गुमेंट पास किया, क्या पास किया, 20 पास किया, और तो ये क्या, ये कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा, ठीक, मतलब जो इट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट विद 0 से, 0 से चलेगा कहाँ तक, डैट आर्गुमेंट तक चलेगा, मतलब ठीक। और अगर हम लोग ने आर्गुमेंट के साथ रेंज फंक्शन का दो आर्गुमेंट पास किए, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा, जो हम लोग ने स्टार्टिंग नंबर दे रखा होगा रेंज में, वहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक चलेगा, उन डैट आर्गुमेंट जो हम लोग ने सेकंड आर्गुमेंट पास किया वहाँ तक चलेगा वैल्यू, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग ने रेंज फंक्शन में तीन आर्गुमेंट पास कर लिए तो क्या होगा, तो करते हैं हम लोग, एक हम लोग ने वेरिएबल लिया और लिस्ट इसमें डाल दी और रेंज फंक्शन डाल दिया, रेंज फंक्शन में वैल्यू क्या डाल दी, आर्गुमेंट पास कर दिया, 5 पास कर दिया, 20 पास कर दिया, और पास कर दिया 2 पास कर दिया। अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या करेंगे, नंबर को हम लोग प्रिंट करेंगे, तो क्या आउटपुट हमारा आएगा, तो इसमें आउटपुट बात कर लेते हैं हम लोग। इसका कहने का मतलब, इस देखिए ये तीन आर्गुमेंट, मतलब ये तीन आर्गुमेंट नहीं है, आप इसको समझते हैं थोड़ा, जो पहला नंबर है यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 5 से करेगा स्टार्ट, जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से करेगा, ठीक, और कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, ठीक। फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक। और ये 2 कह रखा है, 2 कह रहा है कि जो 5 के बाद नंबर, दो नंबर इंक्रीमेंट हो जाए, बाय डिफॉल्ट किसमें था, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा था, बट यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि जो इंक्रीमेंट नंबर होगा वो क्या होगा, 2 बार इंक्रीमेंट होगा, तो मैं 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, फिर 7 के बाद 2 नंबर इंक्रीमेंट होगा, 9 आएगा, 9 के बाद 2 नंबर इंक्रीमेंट होगा, 11 आएगा। अगर इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने इंक्रीमेंट बाय 2 दे रखा। अगर इसको हम लोग कॉपी और यहाँ पेस्ट करते हैं, इसमें चेंज करते हैं, मान लीजिए हम लोग ने यहाँ चेंज कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीमेंट बाय 4 कर दिया, तो अब क्या होगा, वैल्यू 4 बार इंक्रीमेंट हो गया, तो क्या आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद 4 बार इंक्रीमेंट हुआ, 9 आ गया, इसके बाद क्या हो गया, इंक्रीमेंट 13 आ गया, और क्या आ गया, 17 आ गया। ये रेंज में होता है, आप लोग खुद डिफाइन कर सकते हैं कितनी बार वो नंबर इंक्रीमेंट होगा। इसमें हम लोग दो आर्गुमेंट पास हुए हैं, एक हमारे पास कंडीशन क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पास हुआ है, ठीक। इसको बोल सकते हैं रेंज कैन हैव थर्ड आर्गुमेंट, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द स्टेप बोलते हैं, इसका स्टेप बोलते हैं, ठीक, कितने स्टेप वो चलेगा, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग फॉर के साथ रेंज फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं, फॉर लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में हम लोग क्या डाल देते हैं, रेंज में हम लोग डालते हैं 5, ठीक, आर्गुमेंट पास, 1 आर्गुमेंट पास किया, उसमें लिख देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, मान लीजिए प्रिंट कर दिया हम लोगों ने, विकास मौर्य कोडर लिख दिया, ठीक। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो हम लोग देखेंगे कि 5 टाइम चलेगा, आई कितने चलेगा, 5 टाइम, मतलब जो हमारा प्रिंट होगा स्टेटमेंट कितनी बार प्रिंट होगा, 5 टाइम प्रिंट होगा। तो इसको रन कराते हैं तो 5 टाइम विकास मौर्य कोडर लिख के आएगा, 5 टाइम विकास मौर्य कोडर लिख के आ गया। ये हम लोग काम कर सकते हैं, फॉर के साथ हम लोग भी रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आज की बात हुई कि हम लोग ने आज सीखा कि कैसे फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं और कैसे रेंज का इस्तेमाल करते हैं, किसमें,
किसी कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं रेंज फंक्शन विद रेंज फंक्शन विद वन आर्गुमेंट, रेंज फंक्शन विद टू आर्गुमेंट, रेंज फंक्शन विद थर्ड आर्गुमेंट, और हम लोग कैसे स्टेप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने टाइम इंटरवल हम उस रेंज फंक्शन को चला सकते हैं, ठीक वो हम लोगों ने सीखा, और रेंज फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लूप को, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फंक्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।